नमस्कार, आप सभी का इस वीडियो सीरीज में स्वागत है, जिसमें कि हम अपने घरों के लिए सोलर सिस्टम डिज़ाइन करना सीख रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि एक अप्लायंस कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, हमारे महीने भर का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना होता है, बिल को कैसे बनाया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक सोलर सिस्टम क्या होता है। उसके पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि क्या आपने अपने जीवन में कभी सोलर एनर्जी का उपयोग किया है? किया है? अच्छा, कई लोग आंसर देते हैं कि नहीं किया है, तो मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या आपने अपने जीवन में कभी खाना नहीं खाया? और खाना खाते हैं तो जो खाने का जो उगाते हैं, जो अनाज उगाते हैं, वो सोलर एनर्जी का उपयोग करता है, तो इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसके कारण पेड़ों से जो ऑक्सीजन होती वो जो सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं, तो कुल मिला के हम ऑलरेडी सोलर एनर्जी के बहुत बड़े उपयोग करने वाले हैं। तो चलिए, एक दूसरा सा प्रश्न जो आपके मन में हो सकता है कि क्या मैं अपने सोलर सिस्टम से घर की 100% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता हूँ? तो मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु आप इसका उत्तर खुद देना सीख जाएंगे अब जब ये पूरी सीरीज कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, आज हम बात करते हैं कि एक सोलर सिस्टम क्या होता है। तो सोलर सिस्टम का उद्देश्य क्या है? सोलर सिस्टम के माध्यम से हम अपने जो अप्लायंस हैं, जो घर में अप्लायंसेस हैं, उनको हम पावर देना चाहते हैं। तो यदि घर में पंखा है, लाइट है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, जिसको कि हम लोड बोलते हैं, तो हम सोलर सिस्टम में क्या करते हैं, एक लोड है जिसको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, उसको सप्लाई देना चाहते हैं। तो एक डिवाइस होना चाहिए जो उसको सप्लाई दे सके। तो सप्लाई कौन दे सकता है? हमारा सोलर पैनल। तो एक तरह है सोलर पैनल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और फैन है, रेफ्रिजरेटर वगैरह हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। क्या मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूं तो सोलर सिस्टम बन जाएगा? क्या मैं एक पंखे को डायरेक्टली सोलर पैनल से कनेक्ट करूं तो पंखा चलेगा? आंसर इज यस, चलेगा। और मैं आपको इसका डेमोंस्ट्रेशन अभी फील्ड में जाके लाइव दिखाऊंगा कि कैसे डायरेक्टली चल सकता है। तो हमारा सोलर सिस्टम बहुत सिंपल हो सकता है कि एक तरफ मेरा लोड है और दूसरी तरफ मेरा पैनल है और बीच में कुछ भी नहीं है। तो यदि मैं सोलर पैनल को एलईडी लाइट से कनेक्ट करूं तो वो चलेगा। मुझे सिर्फ क्या करना है कि जो मेरा लोड है उसके वोल्टेज और करंट की रिक्वायरमेंट है, और जो मेरा सोर्स है, सप्लाई है, पैनल, उसका वोल्टेज और करंट जो है दोनों आपस में मैच होना चाहिए। यदि ये मैच हो जाए तो आप सोलर पैनल को डायरेक्टली लोड से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक बार यदि मैंने सोलर पैनल को लाइटिंग लोड से कनेक्ट किया और चल गया, तो मेरे सारे तरह के लाइटिंग रिक्वायरमेंट चल सकते हैं, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, घर का बड़ा लाइट हो, छोटा लाइट हो। या मैंने सोलर पैनल को कनेक्ट करके एक मोटर चला ली, और यदि मेरी मोटर चलती है तो मोटर से चलने वाले सारे अप्लायंस, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में आपका कॉम्प्रेसर है, वाटर पंप है, पंखा जो है उसको मोटर लगती है, तो आप मोटर से चलने वाले सारे अप्लायंस चला सकते हैं। और यदि आपने सोलर पैनल से एक मोबाइल को चार्ज कर लिया, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो आपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को चला सकते हैं, चाहे वो टीवी हो, कंप्यूटर हो। तो एक तरह से आप देखें, एक सोलर सिस्टम बहुत सिंपल हो सकता है कि हम सोलर पैनल को इलेक्ट्रॉनिक्स से डायरेक्टली कनेक्ट करें या लोड से कनेक्ट करें। अभी आपको मैं एक डेमोंस्ट्रेशन देने वाला हूं कि कैसे एक सोलर पैनल एक लोड से डायरेक्टली कनेक्ट करें तो चल सकता है। जैसे मैंने बताया, एक सोलर सिस्टम बहुत सिंपल हो सकता है, और उसमें सिर्फ लोड का जो करंट और वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो पैनल के करंट और वोल्टेज से मैच होना चाहिए। आप यहाँ पर अभी देखा, एक सोलर पैनल है और एक पंखा लगा हुआ है। ये जो पैनल है इसके बीच में और ये पंखे के बीच में और कोई सिस्टम नहीं है, और कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, तो ये मात्र डायरेक्टली एक वायर है। मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा कि ये दोनों को आपस में कनेक्ट किया वायर से, और फिर उसको चालू करेंगे तो ये सोलर, ये सिस्टम ऑटोमेटिक रन हो सकता है। तो हमने कनेक्ट कर दिया है और इसको आप चालू करेंगे, और आप देखेंगे कि कैसे ये जो फैन है
पूरी स्पीड में चल रहा है। तो मेरा सोलर सिस्टम इतना सिंपल हो सकता है, एक पैनल लो, एक लोड लो, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो और मेरा सोलर सिस्टम बन जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक दूसरा सेटअप दिखाने वाला हूँ। इसमें एक सोलर पैनल है और ये सीलिंग फैन है, और इन दोनों के बीच में सिर्फ वायर है और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं है। मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा कि कैसे ये दोनों को कनेक्ट करें। ये जो फ़ैन है इसका करंट और वोल्टेज रिक्वायरमेंट और ये पैनल का करंट और वोल्टेज रिक्वायरमेंट मैच है, इसलिए हम जब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। तो ये मात्र एक वायर कनेक्ट करना है, दोनों वायर को कनेक्ट कर रहे हैं और अभी आप देखेंगे ये फ़ैन चालू हो जाना चाहिए। तो ये फ़ैन चालू हो गया है और ये डायरेक्ट सोलर पे चल रहा है, इसको किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह से मेरा सोलर सिस्टम काफ़ी सिंपल सोलर सिस्टम हो सकता है। मेरे लोड को डायरेक्टली पैनल से कनेक्ट कर सकते हैं और ये सोलर सिस्टम काम कर सकता है। इसी तरह से जैसे कि मैंने फ़ैन कनेक्ट किया, आप वाटर पम्प कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल चार्जिंग कनेक्ट कर सकते हैं, लाइटिंग कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्रेसर कनेक्ट कर सकते हैं, कई सारे लोड हैं जो हमें सिर्फ दिन में चलाना हो तो हम इससे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया और सिंपल सोलर सिस्टम है। आपको आश्चर्य होगा कि कितने आसानी से ये चल जाता है। परंतु जैसे मैंने कहा, ये दोनों में एक रिक्वायरमेंट है कि आपका जो लोड है उसका करंट और वोल्टेज की जो रिक्वायरमेंट है और आपका जो पैनल है उसका जो वोल्टेज और करंट प्रोड्यूस होता है वो दोनों आपस में मैच करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो हम एक तीसरा एलिमेंट सोलर सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं जो कि एक मैच मेकिंग का काम करता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर, और उसको हम ये बोल सकते हैं पावर कंडीशनिंग यूनिट। वो पावर को कंडीशन करता है कि दोनों आपस में मिल जाए। तो यदि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर ऐड किया तो मेरे तीन कंपोनेंट हो गए, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर और मेरा लोड। ये भी आपस में चलेगा, परंतु ये तभी चलेगा जब आपका जो सनलाइट है वो पर्याप्त हो, और हमें पता है कि सनलाइट दिन भर तो पर्याप्त नहीं रहता, रात में तो बिल्कुल नहीं रहता। तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर हमारे सोलर सिस्टम में एक चौथा एलिमेंट हमको लाना पड़ता है, वो है एनर्जी को स्टोर करने का। कैसे हम सोलर एनर्जी को स्टोर करें ताकि रात में जब सनलाइट नहीं हो तो मेरा काम चल जाए? तो एनर्जी स्टोरेज कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, आप जानते हैं कि हम बैटरी के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, परंतु हमारा एनर्जी का स्टोरेज एक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, ग्रिड में भी स्टोर कर सकते हैं। तो दोनों एक स्टोरेज मीडियम का काम करते हैं। तो आपके पास दो साधन है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, आप अपने सोलर सिस्टम को ग्रिड से कनेक्ट कर दीजिए तो वो स्टोरेज मीडियम हो गया, या आप अपने ग्रिड से नहीं कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप बैटरी लगा लीजिए, वो आपका स्टोरेज मीडियम हो गया। तो इस तरह से आपके सोलर सिस्टम में चार कंपोनेंट हो गए, या सोलर पैनल हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर हो गया, एक लोड हो गया और एक बैटरी या एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हो गया। यदि आपका सोलर सिस्टम ग्रिड से कनेक्टेड है तो पूरे सोलर सिस्टम को हम बोलते हैं ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम, और यदि आपने ग्रिड से बिल्कुल कनेक्शन नहीं लिया हुआ है और सोलर सिस्टम का जो स्टोरेज वो बैटरी से पूरा होता है तो इसको हम बोलेंगे ऑफ ग्रिड सिस्टम, या आप ग्रिड से भी कनेक्ट करते हैं और बैटरी रखते हैं, दोनों काम करते हैं तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड सोलर सिस्टम। तो मेरे ख्याल से आज के एपिसोड में इतना ही, कि मैंने आपको बताया कि एक सोलर सिस्टम क्या होता है और सोलर सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। आज का जो होमवर्क आपके लिए, आपने अपने लाइफ में कहीं तो सोलर सिस्टम देखा होगा, नहीं कहीं तो आपने स्ट्रीट लाइट देखी होगी। आप ट्राई कीजिए कि वो सोलर सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट आपने देखे हैं। यदि स्ट्रीट लाइट में तो उसमें पैनल कहाँ है, उसमें बैटरी कहाँ है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, या कोई और सोलर सिस्टम देखा तो उस सोलर सिस्टम में अलग अलग जो कंपोनेंट है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। यही आपका होमवर्क है। तो अगली बार जब मैं आऊँगा तो हम हर एक कंपोनेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि बैटरी क्या होता है, उसका रेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या क्या होते हैं, उसके क्या क्या रेटिंग हो सकते हैं, लोड क्या हो सकता है, सोलर पैनल क्या होता है, उसकी कीमत कितनी होती है, ये सब एलिमेंट्स की कीमत कितनी होती है।
एक एक करके एक एक एपिसोड में आपको मैं सारे कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा, ताकि ये जब पूरा नॉलेज आपके पास आ जाए तो आप खुद ही ये अंदाज लगा सकते हैं कि सोलर सिस्टम घर के लिए बना सकते हैं या नहीं, और बना सकते हैं तो उसकी कितनी कीमत होगी। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और जितने भी लोग घर में बैठे उनको ज़रूर ये फॉरवर्ड करें, ताकि अपने समय का अच्छा उपयोग कर सके और कुछ नई स्किल हासिल कर सके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और फिर मिलेंगे।